आयुर्वेद के वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में सेवाएं, अनुसंधान और शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित आयुर्वेद व्यासपीठ का आयोजन 11 से 13 नवंबर तक आयुर्वेद व्यासपीठ की रजत जयंती के उपलक्ष्य में किया गया है, जिसका उद्घाटन शुक्रवार को किया गया था। इस रजत जयंती कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत उपस्थित हुए थे। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के सहयोग से कविवर सुरेश भट्ट सभागृह रेशम बाग नागपुर में आयोजित संगोष्ठी का उद्घाटन शनिवार 12 तारीख को सुबह 10:30 बजे माननीय द्वारा किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय आयुष मंत्रालय के मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, सचिव पद्मश्री वैद राजेश कोटेचा, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष वैद जयंत देव पुजारी और दूध पापेश्वर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रंजीत पौराणिक उपस्थित थे। कार्यक्रम के दूसरे दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत उपस्थित हुए थे। भागवत इनकी उपस्थिति में दूसरे दिन का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर अन्य मान्यवर भी उपस्थित हुए थे। कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित मोहन भागवत, उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। उपस्थित सभी मान्यवर एवं सभागृह में उपस्थित सभी वैद्यगण, नागरिक सज्जन, माता भगत, वैसे तो हमारा एक छोटा सा काम है, उद्घाटन ने कहा है, इसलिए मुझे घोषणा भर करनी है कि इस कार्यक्रम का उद्घाटन हो गया। तो मेरा काम समाप्त हो गया वैसे, परंतु सोनोवाल जी ने कुछ कहा है तो थोड़ा बोलता हूं, बहुत ज्यादा नहीं, आवश्यकता भी नहीं, सारी बातें आ गई। व्यासपीठ का 25 साल का काम बहुत अच्छा हुआ है, इसकी साक्ष्य ये सब कार्यक्रम है। सारे देश से लोग आए हैं, पर्याप्त संख्या में आए हैं, और एक शास्त्रार्थ आयुर्वेद को लेकर हो रहा है, या कहिए कि एक कुंभ हो रहा है जिसमें विचार मंथन होता है, नई नई बातें सामने आती है, आगे बढ़ने की समाज की दिशा तय हो जाती है। ऐसा एक कार्यक्रम, उसके साक्षी हम सब है। तो इस अवसर पर दो बातें मन में आती है कि 25 साल हम आगे चले और आज अच्छे दिन देख रहे, ऐसा कहा गया है आयुर्वेद के लिए। लेकिन यहां तक हम जिन गुणों के भरोसे आए, उन गुणों का जतन आगे भी हो, इसकी बहुत आवश्यकता रहेगी। कौन से गुणों का ज्यादा आपको बताने का काम आपने किया है, इसलिए आपको बता रहे। लेकिन जब कठिन काल बीत जाता है और अच्छा काल आता है, तो कठिन काल में अपना साथ देने वाले सद्गुणों को ध्यान रखकर उनको वैसा ही आगे चलना पड़ता है, ये सबको करना पड़ता है। और इसलिए ऐसे समय पर ऐसा एक वाक्य बोलना ही उपयुक्त होता है, उपयोगी होता है सबके, इसलिए बता रहा। दूसरी एक बात मेरे मन में ऐसी आई, अभी सुनते सुनते ही आई, आयुर्वेद ऐसा कहा है तो वेद तो संग्रह है, अनेक ऋषियों की ऋचाओं का संग्रह है, उन्होंने अनेक देवी देवताओं की प्रार्थना करके जो उनको दर्शन हुआ वे देखे और बोले, ऐसा कहते हैं। तो इन सब का एक संग्रह है, आज जितने वेद उपलब्ध है वो पूरे के पूरे अपने पास है ऐसा, यानी वो पूरे के पूरे है लेकिन वो सब पूर्ण है ऐसा नहीं, कुछ लुप्त भी हुए हैं। और कालानुक्रम देखते हैं तो वेदों में जुड़ता चला गया है। इस अवसर पर आयुष मंत्रालय के आयुर्वेद सलाहकार डॉक्टर मनोज नेसरी, राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय नई दिल्ली की अध्यक्ष पद्म भूषण वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा, आयुष महाराष्ट्र के निदेशक डॉक्टर के राजेश्वर रेड्डी और रंजित पौराणिक मौजूद थे। कैमरा पर्सन अमोल के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज नागपुर।